चरखी दादरी जिले में 4 दिन से लगातार हुई बारिश के कारण किसानों की फसलों में जल भराव हो गया, जिसके कारण किसानों की फसल खराब हो गई। जिले के किसान मुआवजे के लिए नई अनाज मंडी भूमि परीक्षण अधिकारी के पास पहुंचे, लेकिन यहां कार्यालय बंद मिला। अधिकारी से बात करने पर अधिकारी ने बताया कि आज कार्यालय की छुट्टी नहीं है, लेकिन 2 घंटे तक जब कोई अधिकारी नहीं पहुंचा तो किसानों में रोष बढ़ गया। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। 2 घंटे के बाद अधिकारी कार्यालय पहुंचे और किसानों की शिकायत सुनी और समाधान करवाने का आश्वासन दिया, तब जाकर किसान कहीं शांत हुए। मैं करवा रखा जिन में 4-5 दिन वाले बारिश ज्यादा हो रही है और बारिश के कारण कपास में कम से कम गोटा गोटा पानी खड़े हो गया, बर्बाद हो गई समझो। तो हम अपने बीमा के लिए आए थे कम बीमा कम मेरे पास, यहाँ ऑफिस में कोई मानस नहीं है, ताला बंद है। 72 घंटा टाइम दे रखा है, 4 दिन की छुट्टी बता रहे, हम क्या करें ये बताओ। पीछे आए थे ADO साहब से पता करके आए थे कि ऑफिस खुला है कि नहीं, उसने बोला था कि खुला है, यहाँ आए तो ऑफिस बंद है। DDA साहब से बात हुई थी फ़ोन पे, वो नहीं बोला भाई हम तो किधर जा रहे हैं, इसका ये बताओ सर, वो फसल करो उस खतर करो फसल के उसके बीमे खतर, हमने बीमा करवा रखा है, फसल में पानी भरया है, हमने अप्लीकेशन देनी है, अप्लीकेशन ले ले हमारी कोई भी आ की, और ना लेते तो हम रोड जाम करेंगे। हमारा अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, उसका कार्य 16 तारीख से स्टार्ट है और अपनी उपायुक्त महोदय भी और ACS मैडम भी पूरे जोर शोर से लगी हुई है, पूरा स्टाफ कृषि विभाग के अलावा भी 2 विभाग हॉर्टिकल्चर फिशरी अन्य भी हमारे साथ लगे हुए हैं और सारा स्टाफ छुट्टी वाले दिन भी कार्य कर रहे हैं। और अभी भी ऐसा ही था, अभी भी सरल केंद्र अपने चरखी दादरी DC ऑफिस में, वहाँ भी हमारे कर्मचारी कंप्यूटर पर काम करने में लगे हुए हैं और जैसे ही किसान के बारे में पता चला किसान आए हुए हैं, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं थी। अगर छुट्टी वाले दिन से अगले दिन जब भी वर्किंग डे आता है उस दिन भी अगर किसान कोई शिकायत देते हैं तो वो मान्य होती है, 72 घंटे तक किसान दे सकते हैं शिकायत। आए हुए हैं उन सब की शिकायत ले ली गई और अभी भी कोई जिले में किसान बचे होंगे तो मंगलवार को बुधवार को शिकायत